इस बार 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण के ठीक अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते अलग अलग राज्यों में देवी के दरबार और पंडाल सजने लगे हैं। नवरात्रि को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले नवरात्रि के दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की भी अपनी महत्वता है। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि नवरात्रि के दिन आपको घट स्थापना कैसे करनी है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहला नवरात्रि 15 अक्टूबर को है और नवमी का पूजन 24 अक्टूबर को होना है। पहले दिन सुबह के समय आपको नहा धोकर सभी कामों से फ्री होकर माता का ध्यान करते हुए पूजा उपासना करनी है। कलश स्थापना के लिए चित्रा नक्षत्र और वैद्यति योग को ठीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार रविवार को चित्रा नक्षत्र शाम में 6:12 तक है और वैद्यति योग सुबह 10:24 तक रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जब चित्रा नक्षत्र और वैद्यति योग और चित्रा नक्षत्र के दो चरण व्यतीत हो चुके हों तो घट स्थापना की जा सकती है। इससे साफ है कि आपको सुबह सुबह घट स्थापना करनी है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कलश स्थापना करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। जिस कलश की आप स्थापना कर रहे हैं वो आपकी श्रद्धा के अनुसार मिट्टी का घड़ा, चांदी, अष्टधातु, पीतल या आदि धातु का कलश हो सकता है। इसे पहले नवरात्रि पर ईशान कोण में रखना चाहिए। घर की उत्तर पूर्वी दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। घर की ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है और यहाँ ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए यहाँ पर कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। स्थापना के दौरान पहले थोड़ी मिट्टी डालकर उस पर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत को बिछाकर उस पर जौ डालने के बाद पानी का छिड़काव करें। इसके बाद माँ देवी का ध्यान करते हुए इसे स्थापित कर दें। कलश की स्थापना से पहले लकड़ी या साफ सुथरा पाट रखें, इस पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर रोली या चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। कलश के ऊपर सिरे पर कलावा या मौली बांधे। कलश को रखने से पहले नीचे थोड़ा चावल डालें। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते, मिट्टी डाल दें। इसके बाद मिठाई, फल, फूल, दीप, सुगंध इत्यादि से पहले गणेश वंदना करें, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद माँ भगवती को याद करें और अपने घर आने को कहें। कलश स्थापना के बाद आप दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर माता के भजन गा सकते हैं या सुन सकते हैं। इन सभी पूजा पाठ के कामों के लिए आप किसी पंडित को भी घर पर बुलाकर विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी भी नहीं माना जाता। आप सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ खुद ये काम कर सकते हैं। इससे भी देवी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।